डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन नंबर 5। ये जो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें आप बैलेंस शीट में देखोगे तो इसमें आपको एक एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 8,000 रुपीज़ दिया है। तो ये टोटल प्रॉब्लम डिसोल्यूशन का एक्सप्लेन करने से पहले ये एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस क्या होता है वो पहले मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर वो आपको अच्छी तरह समझ में आया तो ही ये प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। दैट्स वाई पहले एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस के बारे में जानने से पहले देखिए, जैसे किसी भी बिजनेस में जब कोई प्रॉपर्टी परचेज़ की जाती है, जैसे कोई असेट परचेज़ किया जाता है, जैसे मशीनरी या फर्नीचर या कोई मोटर व्हीकल, तो एक मशीनरी का एग्जांपल लेते हैं। तो मैंने इधर एक मशीनरी अकाउंट बनाया। आपको पता है मशीनरी अकाउंट एक रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट। तो अगर कोई मशीनरी परचेस करेगा तो डेफिनेटली वो उसका एंट्री मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में करेगा। दैट विल बी एक एग्जांपल ले लो, 60,000 का मशीनरी परचेस किया, सो लेजर अकाउंट में इस तरह पोस्टिंग होगा टू बैंक अकाउंट 60,000। अब ये 60,000 का मशीन उन्होंने परचेस किया है, अब जब इसे क्लोज करेंगे, इस अकाउंट को क्लोज करेंगे, साल भर में और कुछ नहीं किया, सपोज़ एक मशीन परचेस किया था, तो अगर इस मशीनरी अकाउंट को वो क्लोज करेंगे तो डेबिट में 60,000 सेम 60,000 विल बी रिटर्न टू द क्रेडिट साइड और इधर बैलेंस आ जाएगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 60,000। अब ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब ही ये होता है कि ये 60,000 इस फर्म के बैलेंस शीट में असेट साइड में दिखाया जाएगा, दैट इज़ मशीनरी 60,000। सो जब भी आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन देखो, इससे पहले एडमिशन ऑफ पार्टनर भी मैंने आपको बताया, जब भी आप बाय बैलेंस कैरिड डाउन लिखते हो तो वो अमाउंट ट्रांसफ़र होता है आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो ये एग्जाम्पल मैंने इसलिए दिया है कि जब भी बाय बैलेंस कैरिड डाउन आता है तो अमाउंट आपके असेट साइड में ट्रांसफ़र किया जाता है। अब और एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर हमारे प्रॉब्लम पे हम जाएंगे। सपोज़ एक फर्म है जिन्होंने एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस पेड किया है 10,000 रुपीज़ फॉर 2 ईयर्स। 2 साल का एडवर्टाइजमेंट उन्होंने दिया है और इस 2 साल का एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंसेस है 10,000, उन्होंने उसी साल के शुरुआत में पे कर दिया। तो ये 10,000 2 साल का, इसका मतलब 1 साल का एक्सपेंसेस 5,000 एडवर्टाइजमेंट का और अगले साल का 5,000, ऐसा दोनों मिला के 10,000 उन्होंने इसी साल में भर दिया। अब ज़रा देखते इसका अगर मुझे एंट्री करना है तो किस तरह हम अकाउंट बनाएंगे। देखो तो ये देखो, मैंने इधर बना दिया एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, जिसमें जो 10,000 एक्सपेंसेस हुआ है, जैसे मैंने कहा रियल अकाउंट मशीनरी रियल अकाउंट था, तो रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन, इसलिए हमने डेबिट में एंट्री किया था जब मशीन परचेज किया था। तो ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है ये नॉमिनल अकाउंट है, सो नॉमिनल अकाउंट का रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। तो ये जो इन्होंने एडवर्टाइजमेंट का 10,000 पे किया है, ये एक्सपेंसेस है, तो ऑब्वियसली मैं उसका डेबिट में एंट्री करूँगा टू बैंक 10,000। अब ये 10,000 2 साल का है, तो साल के एंड में जब ये अकाउंट ये क्लोज करने जाएंगे तो इस 10,000 में से 5,000 प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट होगा, बिकॉज आउट ऑफ दैट 10,000 5,000 इज कंज्यूम इन दिस ईयर। तो जो 5,000 कंज्यूम हो गया एडवर्टाइजमेंट का, जो 5,000 यूज हो गया, वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में शिफ्ट हो गया। देखो ये सेकेंड एंट्री प्रॉफिट लॉस के डेबिट में चली जाएगी। तो अब अगर मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्लोज करता हूँ तो मेरे सॉरी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट क्लोज करता हूँ तो डेबिट में 10,000, क्रेडिट में 10,000 एंड बैलेंस मिलेगा मुझे 5,000। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये आपके बैलेंस शीट के असेट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो ये जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट है, ये जो अगले साल का भी उन्होंने जो 5,000 पे करके रखा है, ये जाएगा आपके बैलेंस शीट के असेट साइड में एज अ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 5,000।
इसे अकाउंटिंग लैंग्वेज में कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने फ्यूचर के एडवांस में करके रखे हैं। सो ऐसे एक्सपेंसेस को असेट साइड में क्यों लिखा जाता है? ओके, ये मैंने अभी आपको बता दिया। अब आते हैं हमारे आज के प्रॉब्लम में। तो आज के प्रॉब्लम में भी आपको देखो, असेट साइड में, क्वेश्चन नंबर 5 के प्रॉब्लम में, असेट साइड में आपको एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 8,000 दिख रहा है। ओके, इसका मतलब इस फर्म ने भी फ्यूचर का कुछ एक्सपेंसेस पे करके रखा है। तो ये इनका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ओके, तो ये मैंने मशीनरी अकाउंट आपको इसलिए एग्जांपल दिया कि बाय बैलेंस कैरेट डाउन आपका असेट में जाता है, उसे एक्सप्लेन करने के लिए कि अगर एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी किसी ने बनाया होगा तो उसका जो भी बैलेंस आपको असेट साइड में दिख रहा है ये डेफिनेटली उसका फ्यूचर का एक्सपेंसेस है और ये उसका डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब जरा देखते हैं डिसोल्यूशन में अगर डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आया तो उसे क्या किया जाता है। जैसे इस प्रॉब्लम में ये जो आपका क्वेश्चन नंबर 5 है उसमें जो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस 8,000 है उसका डिसोल्यूशन में क्या किया जाता है वो समझ लो। सो एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट इन डिसोल्यूशन, तो डिसोल्यूशन में ये जो जितना भी अमाउंट होता है, जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, उसे पार्टनर रिटर्न ऑफ करते हैं अपने रेशो में। तो इधर दो पार्टनर है, सीता और गीता। तो सीता और गीता ये 8,000 अपने 4:1 रेशो में रिटर्न ऑफ करेंगे। जैसे मैं आपको जरा एंट्री पास करके दिखा रहा हूँ, सीता अकाउंट डेबिट 6,400 एंड गीता अकाउंट डेबिट 1,600। इस तरह ये टोटल हो गया टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 8,000। नरेशन देखिए, बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट रिटन ऑफ इन 4:1 रेशो बाय द पार्टनर्स। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में जब भी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको दिखेगा असेट साइड में, क्योंकि देखो ये कोई ऐसे टेंजिबल असेट नहीं है जैसे फर्नीचर या प्लांट या आपका डेटर। ओके, ये ऑलरेडी आपने फ्यूचर का एक्सपेंसेस पे करके रखा है तो ये हमेशा डिसोल्यूशन में पार्टनर रिटर्न ऑफ करते हैं। तो इसका एंट्री आपको किधर करना होगा देखते हैं आगे। तो ये देखिए, वापस ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। पहला मैं वही एंट्री पास कर रहा हूँ 8,000 वाला, बिकॉज बस ये 8,000 वाला एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस आप निकाल दो, बाकी ये पूरा प्रॉब्लम एकदम सिंपल और सीधा है। तो अभी जो मैंने 8,000 को डिस्ट्रीब्यूट किया 4:1 में, उसका एंट्री पास करते हैं, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट में टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, सीता के कॉलम में 6,400 एंड गीता के कॉलम में 1,600। सो मे बी कुछ स्टूडेंट को लगेगा, सर ये कैलकुलेशन हमें नहीं समझा, ये 6,400 किधर से आया, 1,600 किधर से आया। तो देखो उसका भी वर्किंग नोट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, टोटल 8,000 था, सीता को मैंने किया 4/5, सो 6,400 आ गया, 8,000 इंटू 4/5 6,400 आ गया, और गीता के केस में 8,000 इंटू 1/5 1,600 आ गया। क्वेश्चन नंबर 5 का अगर अलग कोई कोई देखने वाला एडजस्टमेंट रहेगा या एंट्री रहेगा तो यही है, बिकॉज अदर देन दिस ये बाकी सब चीज़ें हमने इससे पहले बहुत बार की हैं। तो चलो अभी जैसे हम नॉर्मली हमारा डिसोल्यूशन सॉल्व करते थे वो करते हैं। तो सबसे पहले सब असेट्स मैं रियलाइजेशन के डेबिट में ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, लेकिन देखो डेटर में, डेटर के नीचे RDD भी दिया है, तो मैं हमेशा असेट ट्रांसफ़र करूँगा। तो डेटर का जो ओरिजिनल अमाउंट है दैट इज़ 48,000, वो रियलाइजेशन के डेबिट में शिफ्ट होगा। सो देखते वन बाय वन, टू सन्ड्री असेट्स, फर्नीचर, प्लांट, ट्रेडमार्क, डेटर्स, स्टॉक, इन सब का मिला के 1,65,000 हो रहा है। देन मूविंग टू कैश इन हैंड है हमारे पास 10,000, वो कैश अकाउंट के डेबिट में जाएगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस ऑलरेडी मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है, तो अभी लाइबिलिटी में जाते हैं, सीता और गीता का कैपिटल।
90,000 एंड 40,000, देन दो लाइबिलिटी है, क्रेडिटर बैंक लोन। देखो आज मैं बैंक लोन अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, सो मैं इसे डायरेक्ट, मैंने बताया आपको आउटसाइडर लाइबिलिटी आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में शिफ्ट कर सकते हो, और आप अलग से लोन अकाउंट बना के भी ये दिखा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल मैं अकाउंट नहीं बना रहा हूँ, तो मैं इसे रियलाइजेशन के क्रेडिट में दोनों लाइबिलिटी शिफ्ट कर रहा हूँ। सो बाई सन्डे लाइबिलिटीज बैंक लोन एंड क्रेडिटर 50,000। इन दिस वे ऑल दी पोस्टिंग ऑफ बैलेंस शीट इज डन। नाउ मूविंग टू दी एडजस्टमेंट वन बाय वन। प्लांट एंड स्टॉक सीधा टुक ओवर कर रही है, देखो 78,000 एंड 22,000 में। सो एज यू नो, प्लांट और स्टॉक का पहला पोस्टिंग आपने रियलाइजेशन के डेबिट में किया है, तो अभी ये टेकन ओवर किया जा रहा है, तो इसका एंट्री आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में करोगे। कौन टेकन ओवर कर रहा है? सीता टेकन ओवर कर रही है। सो बाय सीता कैपिटल। हाँ, इससे पहले ये रह गया था आरडीडी। एक देखो, हमने डेटर का फुल अमाउंट लिखा था 48,000, तो आरडीडी 3,000 हमें राइट साइड में लिखना, और वो इंडिकेट करने के लिए मैंने उसको रेड में आपके सामने दिया है, देखो, सो दैट ये याद रहे कि आप कभी भी डेटर का मेन अमाउंट डेबिट में लिखोगे और आरडीडी आप रियलाइजेशन के क्रेडिट में शो करोगे। नाउ बाय सीता कैपिटल, जैसे मैंने बताया 78,000 एंड 22,000, टोटल 1 लाख। सो इसका सेकेंड एंट्री डबल एंट्री रूल के हिसाब से पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट में होगा, टू रियलाइजेशन सीता के कॉलम में 1 लाख। मूविंग टू सेकेंड एडजस्टमेंट, डेटर रियलाइज हुआ है 90% एट बुक वैल्यू। नाउ 90% ऑफ बुक वैल्यू का मतलब ही ये होता है कि वो 10% से रिड्यूस हुआ है, क्योंकि अकाउंट्स में कोई भी चीज़ कभी भी 100% मानी जाती है। तो अगर वो 90% हो गई, मतलब वो 10% से कम हो गई, तो किस पे निकालना है? अभी बहुत सारे बच्चों को सर ये डाउट होता है, सर ये 90% किस पे निकालना है, 48,000 पे कि 45,000 पे? जैसे कि मैंने कहा, हम डेटर का हमेशा ओरिजिनल अमाउंट डेबिट साइड में लिखेंगे। सो जो ओरिजिनल अमाउंट जो हमने डेबिट में लिखा है 48,000, उसका 90% आएगा, आई थिंक 43,200 आएगा, वो लोगे आप। आफ्टर दैट ट्रेडमार्क है 5,000, गुडविल है 27,000, और उसके साथ में ये भी ले लेता हूँ, देखो थर्ड एडजस्टमेंट, आपका एक अनरिकॉर्डेड असेट है जो बैलेंस शीट में नहीं है। वो असेट का वैल्यू 4,500 था और आपने उसे सेल कर दिया 1,500 में, तो ये भी आपके लिए इनकम है। सो टोटल कितने इनकम है आपके लिए? देखो, डेटर का 90% रियलाइज हुआ, ट्रेडमार्क 5,000, गुडविल 27,000, और ये अनरिकॉर्डेड असेट का 1,500। ये दोनों एडजस्टमेंट में किसी का भी नाम नहीं दिया है, और ये सब असेट रियलाइज़ हो रहे हैं। आपको पता है असेट रियलाइज़ होते तो उसका एंट्री रियलाइजेशन के क्रेडिट में होता है बैंक के नाम पे। फिलहाल इधर कैश है, आप कैश स्लैश बैंक लिख सकते हो या कैश लिख सकते हो। सो बाय कैश अकाउंट डेटर, देखो 43,200 आ गया, 48,000 का 10% माइनस किया मैंने, या फिर 48,000 इंटू 90 डिवाइड बाई 100, यू विल गेट 43,200। देन ट्रेडमार्क 5,000, गुडविल 27, और वो अनरिकॉर्डेड असेट का 1,500, टोटल आ गया 76,700। डेफिनेटली इसका सेकेंड एंट्री कैश अकाउंट के डेबिट में होगा, टू रियलाइजेशन अकाउंट 76,700। सो इन दिस वे एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट हो गया मेरा, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया। नाउ क्रेडिटर अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 1,000। हमारा टोटल क्रेडिटर 35,000 है, जब हम उसका पैसा पे करने के लिए गए तो उसने हमें सामने से 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, और आपको पता है डिस्काउंट का मतलब अब हमें उसे उतना पैसा नहीं देना है। सो देना था 35,000, उसने 1,000 का डिस्काउंट दे दिया, मतलब हमने उसे पे किया 34,000। तो डिस्काउंट जब भी आएगा आप मेन अमाउंट से उसे माइनस करोगे, तो देखो टू कैश क्रेडिटर 34,000, देन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,500। अब देखो आपको लगेगा मेरा प्रॉब्लम खत्म हो गया, सब एडजस्टमेंट मेरा हो गया, लेकिन बी केयरफुल, असेट अगर कोई एक आप बेचना भूल गए, नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, फॉरगेट इट, अब लिखो भी मत, लेकिन क्योंकि उसका असेट का वैल्यू अगर नहीं दिया, इसका मतलब वो वैल्यू नील है, जीरो है। आप टेक्स्ट बुक के नोट्स में पढ़ सकते हो, उधर क्लियरली दिया है, इफ द वैल्यू ऑफ असेट रियलाइज इज नॉट गिवन, इट मीन्स दैट असेट वैल्यूड नील, जीरो। लेकिन
लाइबिलिटी के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दिया है तो भी आपको उसका एंट्री पास करना है। तो देखो, बैंक लोन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो ये बैंक लोन का भी पैसा हमें पे करना पड़ेगा। सो इसी के नीचे मैं बैंक लोन भी ले लेता हूँ और वही जो मेन अमाउंट है 15,000, टोटल हो गया 52,500। अब ये जाएगा मेरे कैश के क्रेडिट साइड में बाय रियलाइजेशन। अब मैं कहूँगा मेरा टोटल प्रॉब्लम ख़त्म हो गया। अब मैं क्लोज़ करता हूँ सबसे पहले मेरा रियलाइजेशन। बट फॉर्चुनेटली इस प्रॉब्लम में मुझे दिख रहा है कि इनका क्रेडिट साइड हेवी है तो इनको प्रॉफिट हो रहा है। सो 2,29,700 क्रेडिट साइड में आ गया। सेम मैं डेबिट में लिखूँगा। नाउ 2,29,700 में से अगर मैं 1,65 एंड 52,200 माइनस करता हूँ, 52,500 माइनस करता हूँ, देन आई विल गेट 12,200। अब इस 12,200 को किस तरह 4:1 में डिवाइड किया वो पहले देख लो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट ऑन रियलाइजेशन, सीता के लिए 12,200 इंटू 4/5 9760 और गीता के लिए 12,200 इंटू 1/5 2440। तो ये हम इधर लिखेंगे टू पार्टनर्स कैपिटल सीता एंड गीता। सो इट विल बी शिफ्टेड टू द पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट साइड बाय रियलाइजेशन 9,760 एंड 2,440। अब जरा मुझे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी देखो, किसी का डेबिट साइड हेवी है, किसी का क्रेडिट साइड हेवी है। चलो पहले किसी एक पार्टनर को क्लोज करते हैं, गीता को। उसका क्रेडिट साइड हेवी देखो, 42,440। सेम मैं डेबिट में लिखूँगा। उसमें से 1,600 अगर मैं माइनस करता हूँ, आई विल गेट 40,840। और ये मैंने टू कैश लिखा है तो डेफिनेटली ये कैश में ट्रांसफ़र होगा बाय गीता कैपिटल 40,840। मूविंग टू सीता, सीता का डेबिट साइड हेवी है देखो, 1,06,400। सो 1,06,400 में से अगर मैं 99,760 माइनस करता हूँ, सो आई विल गेट 6,640। अब ये क्रेडिट में आया बैलेंस, सो दिस विल बी शिफ्टेड टू द डेबिट साइड ऑफ कैश अकाउंट 6,640। तो अगर मैं मेरे डेबिट साइड का पहले टोटल कर लेता हूँ, देखो लास्ट में 700 एंड 640, तो 340 तो लास्ट में आ रहा है, 1,000 कैरी हो गया। सो 11 एंड 76, 87 एंड 6, 93,340 मेरा टोटल आ रहा है कैश अकाउंट के डेबिट साइड का। लेट्स चेक, इधर देखो क्रेडिट साइड में 500 एंड 840, 340 आ रहा है, 1,000 कैरी, 53,040, इट विल बी 93,340। ये जो सब आंसर्स है ये आप टेक्स्ट बुक में चेक करोगे तो अलग दिखेंगे आपको, बट विश्वास रखो ये जो मैंने अभी आपको बताया है ये परफेक्टली राइट है। सो डिसोल्यूशन के जितने भी प्रॉब्लम थे, ऑलमोस्ट टेक्स्ट बुक के पूरे 1 to 12 प्रॉब्लम मैंने आपको मेरे इस अकाउंट ट्रिक्स वीडियो यूट्यूब चैनल में मैंने आपको ये सब बता दिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।